दोस्तों आज हम आप बात करेंगे मारुति सुजुकी बलेनो की। तो आपके सामने बलेनो, इस गाड़ी की लंबाई 3990 मिलीमीटर है, इस गाड़ी की चौड़ाई 1745 मिलीमीटर है, इस गाड़ी की ऊंचाई 1500 मिलीमीटर, इस गाड़ी की व्हील बेस है 2520 मिलीमीटर, इस गाड़ी का कार वजन 920 किलोग्राम है। यहाँ से साइड की लुक आपको दिखाई दे रही है। अब चलते हैं फ्रंट साइड पर। मुझे तो आगे से देखने में इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। आगे आपको इसमें इंडिकेटर के साथ में DLR LED लाइटिंग, बीच में सुजुकी का लोगो, नीचे इसमें फोग लैंप मिसिंग है पर आप लगवा सकते हो। अब देखते हैं इसके इंजन को। जैसे हम इसका बोनट ओपन करेंगे तो पाएंगे बोनट काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टील मेटल का बना है, इसमें वजन भी काफ़ी है। अब इसमें हमको 1197 cc का इंजन, 4 सिलेंडर ऑनलाइन, 4 बल्ब सिलेंडर, डॉग का 1.2 लीटर VVT में पेट्रोल में मिलता है। इसमें अधिकतम पावर 88 BHP 6000 RPM में है तथा टार्क 4400 RPM पर 113 Nm का मिलता है। ये हमें 22.3 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देता है। इसकी ड्राइविंग रेंज 827 किलोमीटर है। इसकी ड्राइव ट्रेन फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये हो गया गाड़ी का इंजन। अब चलते हैं गाड़ी के बैक साइड में। गाड़ी के पीछे की लुक आपको दिख रही होगी, अभी आएगी। अब आपको गाड़ी के पीछे की लुक दिख रही होगी। इसके डे लैंप के साथ इंडिकेटर के डिज़ाइन बहुत अच्छा है। पीछे का बैक साइड में भी आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे गाड़ी के बूट स्पेस को। गाड़ी के बूट स्पेस आपके सामने है। बूट स्पेस में आपको सामान की मात्रा 318 लीटर है। इसमें काफ़ी स्पेस आपको मिल जाएगा। गाड़ी में 5 सवारी आती हैं और बूट स्पेस में 5 सवारी का सामान आ जाएगा। इसमें नीचे आपको इसके नीचे हम देखेंगे हटाइयो रे यार सेकंड टॉप इसे अलग थोड़ा सा हटाओ। हाँ, इसके नीचे आपको स्पेयर टायर आपको मिल जाएगा। ये स्पेयर टायर है जो आपको गाड़ी के साथ दिया गया है सुजुकी वालों ने। ये टायर इसमें अलाई व्हील आपको नहीं मिलते। ये है गाड़ी का बूट स्पेस जो काफ़ी ज़्यादा है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। काफ़ी सिंपल और क्लासिक इंटीरियर आपको मिल जाता है। इसकी स्टेयरिंग में आपको म्यूजिक के कंट्रोल बटन आपको मिल जाएंगे। बीच में हॉर्न बटन के ऊपर सुजुकी का लोगो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपको एयरबैग की बैचिंग दी गई है। यहाँ आपको वॉइस कमांड और कॉलिंग के कंट्रोल मिल जाएंगे। साइड में आपको AC इवेंट्स मिल जाएंगे। गाड़ी में आपको लेफ्ट साइड में टैकोमीटर दिया गया है, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर दिया गया है जिसमें आपको स्पीड की मार्किंग देखने को मिल जाएगी। आगे फ्रंट की बात करूं तो यहां पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। इसमें सीट्स भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। दोस्तों ये है मारुति सुजुकी की बलेनो। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।